कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। बूढ़ा वृद्ध जीर्ण शीर्ण काया थी जिसकी, रोगी मुनि का वेश बनाकर रास्ते में एक शिला पर बैठ गया और कहते हैं नंदी सेन विहार करके जा रहे थे। बोले महाराज जी आप अस्वस्थ दिखते हैं। वो तो देवता था, उसने ऐसी ऐसी चीजें बता दी। बोले मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे ये चीज मिल जाएंगी। तो उनने कहा क्या? दक्षिण के चावल, उत्तर का घी और कर्नाटक के, ऐसे अलग अलग चीजें बताई उन्होंने कि और यहाँ की औषधि जो मिल ही नहीं सकती थी। और बोले वहाँ का मिल जाएगा तो मेरा स्वास्थ्य शायद ठीक हो सकता है, किसी वैद्य ने बताया। तो कहते हैं नंदी सेन ने किसी को निर्देशन देके वो सारी चीजें मंगा दी विद्या के बल से, और दूसरे दिन आहार चर्या कराने खुद गए। अब वो तो देवता था, उसने तो आहार किया और साला बमन और कर दिया। इतनी बदबू आ रही थी कि खड़ा नहीं हुआ जाए वहां। लेकिन नंदी सेन महाराज ने अपने हाथों से सारा मुनिराज का शरीर शुद्धिकरण किया। और उसके बाद कहते महाराज जी, महाराज ऐसी आज क्या कमी रह गई कि आज भी आपको बमन हो गया? हाथ जोड़कर बोलते हैं, नम्री भाव से बोलते हैं, बिल्कुल हृदय में दया भाव से, ऐसा कि उन्हें ठीक करना है। और देवता का हृदय परिवर्तित हुआ। देवता ने कहा जैसी चर्चा सुनी थी वैसे ही तुम निकले हो। वास्तव में स्वर्गों में चर्चा थी कि नंदी सेन जैसा कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हम रोज पढ़ लेते हैं भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन क्या चाहते हैं? हम कहते हैं जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अरे भगवान से कहते मैटो जामन मरण की जय ऐसा यतन, पारस प्यारा मैटो मैटो जी संकट हमारा, हम कितने बेईमान हैं। कहते हैं स्वर्ग तो जाना नहीं है तो स्वर्ग सुख की चाह क्या करना, और दुखों से परवाह नहीं है क्योंकि दुख आप चले गए दुख से घबरा कर, हम जाने वालों में से नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे। आप देखो संसार में कितनी थपेड़े मिलती हैं, अपन को जरा सा टस से मस नहीं होते हैं। कितनी भी थपेड़े मिल जाएं संसार से हारते नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ये पावन वेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है, तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। उन्हें तो एक ही घटना मिली, एक बाल पका देख लिया और बैराग ले लिया, या सारे बाल पक जाए तब भी बैराग नहीं आता, उन्हें काले और कर लेते हो। एक एक जरा सी बिजली चमकती हुई देखी और बैराग आ गया, या बिजली गिर के मर जाओ तब भी बैराग नहीं आए। वहां एक वृद्ध आदमी देखा और वैराग आ गया, यहाँ तो कितने मरते हुए आदमियों को देख ले तब भी वैराग नहीं आता है।
बोले बेचारा चला गया, ये क्यों नहीं सोचता है कि आज इस गली से वो गया, एक दिन मेरी अंतिम विदाई होगी। अखबार में हम किसी की भी दिए की खबर पढ़ लेते हैं, ये सोचा करो कि किसी दिन एक दिन हमारी भी खबर ऐसे ही अखबार में। आ कभी नहीं सोचते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मरित। मैं करूंगा करूंगा ऐसा सोचता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा नहीं सोचता है। तो एक नहीं जितने चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण ये क्या होते हैं, ये किसी श्रावक को ये पद नहीं मिलते हैं, मुनि राजों को ये पद मिलते हैं। लेकिन जरा सी गलती हो जाती है मुनि अवस्था में, कोई निदान आदि कर लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भोग तो मिल जाते हैं लेकिन समाधि नहीं मिल पाती है। और ऐसा ही नंदी सेन ने किया। नंदी सेन भी बहुत उत्कृष्ट तपस्वी थे, कहते हैं कि यदि वो निदान नहीं करते तो उसी भव में उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता। लेकिन इस भव में न रूप मिला था, न धन मिला था, न वैभव मिला था, बस इतना सा निदान कर लेते हैं कि अगले भव में खूब रूप सुंदर मिले। आप सबको पता है नेमिनाथ भगवान के चाचा जी कहो, समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई कहो, या कृष्ण के बलदेव के पिताजी कहो, कामदेव हुए। इतना सुंदर रूप मिला कि स्त्रियां भूल जाती थी, अपने बच्चों को गिरा देती थी, वैवल हो जाती थी, अव्यवस्था होने लगी उन्हें देखकर। लेकिन कितना पुण्य लेकर आए थे कि जब एक दिन किसी के घड़ा फोड़ दिया तो उस दासी ने कहा कि तुम इतने चंचल हो इसीलिए तो निकलने नहीं दिया जाता है, और तुम्हें इसलिए तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हें कैद किया है ना, तुम्हारी सारी व्यवस्था घर में की गई है। वो सोचते मेरे कारण शिकायत आ रही है राज्य में, मैं चला जाऊंगा और रात्रि के समय अपने सारे आभूषण एक मुर्दे के पास डाल जाते हैं और घोड़ा वहीं बांध जाते हैं, उसके गले में एक पत्र लिख कर जाते हैं कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं और घोड़ा यहीं छोड़ जा रहा हूं। लोग मुझे मेरे कारण यहाँ की अव्यवस्था हो रही थी, स्त्रियां मेरे पीछे पड़ती थी, इसलिए मैं मर रहा हूं। और घर में शोक हो जाता है कि सुबह देखते हैं बहुत रोते हैं, अब ढूंढे का आदमी, जब मुर्दे का पास जेवर भी पड़ा उसी आरती में जेवर डाल देते हैं। आप समझ, शमशान में जो चिता जल रही थी उसमें जेवर डाल देते तो लोग समझते हैं जल ही गए होंगे। मैंने कहा साहूकार हो या भिकमंगा हो, अस्थियों में अंतर नहीं कर सकते हो, शमशान सबको समाप्त कर देती है, चाहे वो साधु हो चाहे भिकारी हो चाहे सम्राट हो चाहे रंग हो, किसी को भी एक सा कर देती है। तो कहते हैं सब लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन वो तो जहां गए वो तो चले गए, वेश बदल कर चले गए, और जहां जाते थे वही लोग, कोई अपना राज्य देने को तैयार हो जाता, कहीं कोई अपनी कन्याएं दे देता, कहीं कहीं तो वो वादक यानी ढोलक वाले बन कर गए। तो भी वहां आपको पता मदन मंजरी करके एक रानी हुई, उनकी पटरानी हुई, उसका तो स्वयंवर हो रहा था और वो बाधक बन के गए, और वहां उसने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर उस बाधक के गले में वरमाला डाल दी, क्योंकि कामदेव थे, पुण्य था, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और कहते हैं कि वो वहां पर भी, और वहां पर ही समुद्र विजय आदि भी गए थे, इनके बड़े भाई आदि भी गए थे। तो एक बार सब लोगों को लगा कि ये ढोलक वाला व्यक्ति कैसे भर के ले जाएगा हम लोगों के रहते हुए। तो कहते हैं वहां युद्ध हुआ और युद्ध में भी कुशल थे, अपने ससुर को कहते हैं आप युद्ध मत करो, मुझे दो शस्त्र, हमें दो, हम करेंगे युद्ध। और युद्ध किया और अपने भाई को मारना तो चाहते नहीं थे, और उधर से समुद्र विजय लोग सोच रहे हैं कि कौन सा एक बाधक वाला आदमी और इतना कि हम लोग इससे जीत नहीं पा रहे हैं। और कहते हैं कि अचानक इन्होंने समुद्र विजय ने कहा कि यदि तू योद्धा है तो मार मुझे,
अस्त्र शस्त्र क्या यही पहचान होती, तू मारता क्यों नहीं? तो कहते उन्होंने एक पत्र लिखकर और बाण में लेकर पैर के पास भेजा, उसको खोल कर देखा तो उसमें लिखा था मैं तुम्हारा भाई वासुदेव हूँ। और सब लोग मिल जाते हैं, खुशी से घर ले आते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, यदि संसार में सुख चाहिए तो तन को भी पावन करो, मन को भी पावन करो और धन को भी पावन करो। धन अकेले किससे पावन होगा? जब तुम्हारे अंदर प्रसन्न संवेग और अनुकंपा और आस्तिक आएगा। आज तो दास दास से जी लेते हैं हम, मंदिरों में आते हैं घंटियां बजा लेते हैं, दिल में कोई तरंगे नहीं होते हैं। चावल चढ़ा लेते हैं, चावल तो पहले ही चढ़े थे, इन्हें चढ़ाने की आफत काहे को की? सच पूछो, चढ़े ही थे वो तो, तुमने क्या चढ़ाए? वो बोरों में रखे थे तब भी चढ़े ही थे। चढ़े का मतलब ये नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अपने घर में यदि स्वस्थता और शांति चाहते हो तो कम से कम अपने जीवन में दो चार समाधियां जरूर कराना। समाधि कराओगे तो तुम्हारी मति शुद्ध होगी और मति शुद्ध होगी तो गति शुद्ध होगी और गति शुद्ध होगी तो एक दिन सदगति होगी और सदगति होगी तो सबसे बड़ी सदगति सिद्ध गति है। आप इतिहास उठाकर देखो, आदिनाथ पुराण उठाकर देखो, कपिस्वान सिंह नेवलाल बैल विचारे तिरियंच जिने रंच नाता बोध चितारे इत्यादि को सुर धाम दे सिर धाम में धारे। हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। क्या कहा है जो आप लोग पढ़ते हैं कि आदिनाथ के समय में वो कपिस्वान सिंह नेवला आदि जब आहार दे रहे थे रामचंद्र जी तो वो लोग देख रहे थे। वो सब कौन थे, कभी विचार किया कौन थे वो सब? राजा पुरोहित और मंत्री सेनापति थे। इन्होंने मंदिर में लगने वाले द्रव्य को किसी से मिलकर अपने पास मंगा लिया था। उसका प्रताप ये निकला, पहले नरक में गए बाद में तिरंज हुए, फिर याद आया कि अरे हम भी तो देते थे और हमने ऐसा किया तो आज देने लायक नहीं बचे। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की युग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह अव्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की थी। और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य से समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तक्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतुरता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया। और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।